हेलो दोस्तों, अब आज बात करेंगे हम हीगल कांट ग्रीन के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो अभी तक हमने ये तीनों टॉपिक पढ़ लिए दोस्तों, तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग कांट, हीगल और ग्रीन तीनों जो वीडियोज है वो देख लें, उसके बाद में ये क्वेश्चन पढ़ के और इनका जवाब देने की कोशिश करें, जिससे आप अपने आप को अच्छे से जज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतारणा है, यह कथन किसका है? देखिए दोस्तों, ये जो कथन है ये हीगल का था, और हीगल जो था वो दोस्तों आदर्शवादी था, और जो आदर्शवादी जो विचारक हैं वो आदर्शवाद जो है वो राज्य को ज्यादा महत्व देता है। मतलब आदर्शवाद क्या, व्यक्तिवाद का उल्टा है। आदर्शवादी विचारक राज्य को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, और हीगल जो है वो क्या था कि आदर्शवाद का पोप था एक प्रकार से। तो उसने राज्य को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया, और राज्य का महत्व देने के कारण ही उसने कहा था कि जो राज्य है वो धरती पर ईश्वर का एक प्रकार से क्या है, पार्थिव स्वरूप कह सकते हैं, उसको अवतारणा कह सकते हो। तो ये हिगल दोस्तों, इसमें सी जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिगल की रचना नहीं है? दोस्तों यहां पर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री और साइंस ऑफ लॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, और डी में लिखा हुआ है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो दोस्तों जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ये रचना जो है वो हीगल की रचना नहीं है, बाकी जो रचना है वो हीगल की है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो रचना है दोस्तों, वो कार्ल मार्क्स और एंजल की लिखी हुई है, इन दोनों की रचना है, और 1848 में इसको लिखा गया था। मतलब 1848 में, सॉरी, इसको आप प्रकाशन मान सकते हो, इसका ऑथेंटिक जो टाइम है एग्जाम के हिसाब से वो 1848 है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो डी ऑप्शन जो है दोस्तों, वो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अति कल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया? अति कल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया, किसने दोषी पाया? यहां दोस्तों ये थोड़ा सा, इसमें ऑप्शन कोई सा भी नहीं मिल रहा हमें, हमारे को, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा इसमें कि अति कल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों का दोषी। तो यहां ये कह रहा है कि जो प्राकृतिक जो अधिकारों का जो विचार था, असल में प्राकृतिक अधिकारों का जो विचार था, देखिए दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करने वाला यहां पर कौन था? प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करने वाला दोस्तों यहां था जॉन लोक, जिसमें हमने पढ़ा कि उसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का क्या किया था, समर्थन किया था। और जॉन लोक ने समर्थन किया था, और इस जॉन लोक ने जो समर्थन किया था प्राकृतिक अधिकार का, इसका खंडन किसने किया था? ग्रीन ने किया था। तो यहां पर दोस्तों जो दोष निकालने वाला व्यक्ति था वो कौन था? ग्रीन था। और जो यहाँ पे दोषी था वो कौन था दोस्तों? जॉन लोक था। मतलब असल में जो दोषी पाया गया वो जॉन लोक को दोषी पाया गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कहेगी प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया, मतलब किसने दोषी पाया? तो दोषी तो किसने पाया? ग्रीन ने पाया था। किसको? जॉन लोक को। तो असल में इसका सही जो आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? जॉन लोक होगा। लेकिन अगर आप इस दोनों ही तरीके से जवाब दे सकते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि प्राकृतिक अधिकारों का दोषी किसको माना गया, तो जॉन लोक को माना गया, और किसने माना? ग्रीन ने माना। तो उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हीगल के अनुसार राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है। ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है, जिसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, यही बात कही थी हीगल ने, कहा था राज्य क्या, मानवीय चेतना का विराट रूप है, धरती पे ईश्वर का अंतरण है। मतलब राज्य को बहुत ही ज्यादा महत्व देता है, और आदर्शवादी है तो दोस्तों चेतना को वो बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है यहाँ पे। हीगल के अनुसार राज्य विश्व में विवेक की यात्रा है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, दोनों कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। मतलब हीगल है आदर्शवादी, है चेतना को ज्यादा महत्व है, राज्य को ज्यादा महत्व है। तो ए और बी, मतलब पहला और दूसरा दोनों कथन दोस्तों क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन जो दोस्तों बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार ग्रीन का है? राज्य वर्ग शोषण का यंत्र है। दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है, राज्य वर्ग शोषण का यंत्र है नहीं, ऐसा ग्रीन ने नहीं कहा था। अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है, राज्य जन सहमति पर आधारित है, राज्य को सदैव अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहिए। तो डी भी गलत है यहाँ पे। अब दोस्तों ऑप्शन बचता है हमारे सामने बी और सी। बी और सी में से हमारे को छांटना है कि कौन सा इसमें से सही है। ये कह रहा है अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है, और राज्य जन सहमति पर आधारित है। यहां पर देखिए दोस्तों, वाक्य दोनों ही सही प्रतीत हो रहे हैं, बिल्कुल राज्य जन सहमति पर आधारित है। लेकिन देखिए दोस्तों,
जो बी ऑप्शन है वो कह रहा है कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों जो ग्रीन है उसने क्या कहा था कि ग्रीन ने कहा था कि जो नैतिक जो स्वतंत्रता है, नैतिक जो स्वतंत्रता है उसका उसने कहा था कि नैतिक स्वतंत्रता मांग करते हैं किसकी, अधिकारों की, और उसने कहा था अधिकार कहां से आएंगे, राज्य से आएंगे, राज्य कहां से, अधिकार कहां से आएंगे, राज्य से आएंगे, मतलब प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया था और अधिकारों के बारे में कहा था कि अधिकार हमेशा राज्य से ही मिलेंगे। तो यहां पर देखिए दोस्तों बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है, लेकिन सी कह रहा है कि राज्य जन सहमति पर आधारित है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पूर्णतया डायरेक्ट जो है वो ग्रीन के विचार में नहीं मिलेगी आपको कहीं भी कि ग्रीन ये कह रहा हो कि राज्य क्या जन सहमति पर आधारित है। हाँ, उसने ये बात कही थी कि राज्य क्या है, बल प्रयोग नहीं है, इच्छा इच्छा का रूप है, मतलब राज्य में बल प्रयोग नहीं कह सकते, जो राज्य का रूप है वो एक प्रकार से इच्छा है। तो यहाँ पर जन सहमति वाला जो वाक्य वो दोस्तों यहाँ पर कमजोर है, तो हमें सबसे स्ट्रॉन्ग वाक्य ढूंढना है, तो वो बी होगा, अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है, मतलब अधिकार मनुष्य को राज्य से ही मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बी सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी। द्वंद्वात्मक पद्धति दोस्तों आपको पता हो तो यहाँ पर अरस्तु, हीगल, मार्कस और टॉलस्टॉय दे रखा है, तो टॉलस्टॉय भी नहीं है, मार्कस भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको हीगल ही यहाँ पे सही क्वेश्चन होगा। द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रतिपादन करने वाला हीगल ही था, और हीगल हीगल की जो पद्धति वो थी वो कैसी थी, आदर्शवादी द्वंद्वात्मक पद्धति थी, आदर्शवादी थी दोस्तों, यहाँ पर आदर्शवादी। और जो कार्ल मार्क्स है उसकी कैसी थी दोस्तों, उसकी भौतिकवादी, और दोनों ही कैसे थे दोस्तों, द्वंद्वात्मक। ये दोनों ही पद्धति कैसी थी, द्वंद्वात्मक पद्धति थी यहाँ पे। तो आदर्शवादी किसकी थी दोस्तों, ये आदर्शवादी जो पद्धति थी वो हीगल की थी, और हीगल से किसने ग्रहण की, कार्ल मार्क्स ने। तो जो हीगल है वो पहले आया था, तो आदर्शवाद द्वंद्वात्मक पद्धति लेकर आया, तो उसका प्रतिपादक कौन था, हीगल ही था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीगल समाज तथा राज्य के विकास का अध्ययन करता है, हीगल समाज तथा राज्य का अध्ययन करता है, तो उसमें किस आधार पर अध्ययन करता है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उसमें कह रहा है कि द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर, सांख्यिकी पद्धति के आधार पर, सादृश्य पद्धति के आधार पर, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए दोस्तों पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर राज्य के विकास का वो अध्ययन करता है। यहाँ पर राज्य के विकास का अध्ययन कैसे किया दोस्तों, कि जैसे हीगल ने क्या कहा था कि जो वाद है, वाद क्या रहेगा, वाद क्या था, यूनान, मतलब यूनान की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो वाद था, उसको उसने वाद कहा। और जो मध्यकाल में जो यूरोप की व्यवस्था, मतलब वाद जब समाप्त हुआ तो फिर जन्म लिया किसने, प्रतिवाद ने, और प्रतिवाद उसने दोस्तों किसको बताया, मसीही धर्म को बताया, मसीही धर्म को बताया था उसने। तो यहां वाद और प्रतिवाद से वो समझाने की कोशिश कर रहा था हीगल, और उसने कहा था कि जो संवाद होगा, मतलब जो श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था बनेगी वो दोस्तों उसने कहा था वो कौन सी होगी, जर्मनी होगी, जर्मनी राष्ट्र राज्य, ये कहकर दोस्तों उसने कहा कि जर्मनी राष्ट्र राज्य, मतलब यहां पर राजनीतिक व्यवस्था को वो वाद प्रतिवाद और संवाद से समझाने की कोशिश कर रहा था। और ये पद्धति दोस्तों मैंने हीगल जब आपको पढ़ाया तो उसमें पूरी बताई है मैंने, तो ये पूरी पद्धति क्या कहला रही थी, इसकी द्वंद्वात्मक पद्धति कहला रही थी, और इसका जनक भी वही था। तो इसका क्या होगा दोस्तों, राज्य विकास का अध्ययन द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर करता है, तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल क्या है आपका, करेक्ट है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीएच ग्रीन का प्रसिद्ध वक्तव्य कौन सा है। टीएच ग्रीन का, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, सहमति ही दुनिया में प्रत्येक वेद सरकार का निर्माण करती है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। यहां देखिए दोस्तों डी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार, ये बात तो हीगल ने कही थी, और सहमति ही दुनिया में प्रत्येक वेद सरकार का निर्माण करती है, तो सहमति की डायरेक्ट बात नहीं की थी ग्रीन ने, और ग्रीन ने कहा था कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, मतलब इच्छा का मतलब ये हुआ कि मनुष्य की इच्छा के कारण ही राज्य बना हुआ है वर्तमान में। तो यहां पर इच्छा और सहमति में दोस्तों काफी फर्क है दोनों के अंदर, तो सहमति वाला गलत हो जाएगा, और बी ऑप्शन कह रहे हैं कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये बात दोस्तों ग्रीन ने कही थी, तो ग्रीन का वक्तव्य बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, और ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये तो दोस्तों जो विचार है ये उपयोगितावाद का है, बेंथम से जुड़ा हुआ है ये।
तो बी आपका इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। वह विचारक जो राज्य के निषेधात्मक कार्यों का समर्थन करता है, विचारक जो राज्य के निषेधात्मक कार्यों को, निषेधात्मक कार्यों का समर्थन करने वाला दोस्तों टीएच ग्रीन ही था, जो राज्य के निषेधात्मक कार्य कहता है। असल में कुछ आलोचक दो दोस्तों वो कहते हैं कि जिन कार्यों को टीएच ग्रीन निषेधात्मक कार्य कहता है वो राज्य के निषेधात्मक कार्य नहीं है, वो विकासात्मक कार्य है, विकास से जुड़े हुए काम कहते हैं उनको। तो निषेधात्मक कार्यों का समर्थन ये टीएच ग्रीन ही होगा दोस्तों। उसके बाद में आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन का विचार नहीं है, राज्य एक सर्वोपरि सर्वशक्तिमान संस्था है, राज्य समुदायों का समुदाय है, युद्ध एक अपूर्ण राज्य का लक्षण है, और कतिपय परिस्थितियों में व्यक्ति राज्य का प्रतिरोध कर सकता है। ये कह रहा है कि ग्रीन का विचार कौन सा नहीं है, मतलब ये बताने कि कौन सा ग्रीन का विचार नहीं है इनमें से। तो डी कह रहा है कि कतिपय परिस्थितियों में व्यक्ति राज्य को प्रतिरोध कर सकता है, तो ये बात तो दोस्तों बिल्कुल सही है। और ग्रीन ने कही थी कि व्यक्ति क्या कर सकता है, कतिपय परिस्थिति विशेष परिस्थिति में राज्य का विरोध कर सकता है, उसको क्रांति करने का अधिकार है। और सी कह रहा है कि युद्ध एक अपूर्ण राज्य का लक्षण है, मतलब यहां पर ग्रीन ने कहा था कि अगर कोई राज्य युद्ध में लिप्त है, सैनिकवाद है, तो वो राज्य क्या है कि अपूर्ण राज्य, उसको पूर्ण राज्य नहीं कहता। और ए कहता है कि राज्य एक सर्वोपरि सर्वशक्तिमान संस्था है, राज्य को सर्वोपरि सर्वशक्तिमान मानने वाला तो हीगल ही था, और राज्य समुदायों का समुदाय है, तो बी बच गया दोस्तों। ये आपका जो विचार है यहाँ पर, राज्य एक सर्वोपरि सर्वशक्तिमान, अच्छा यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा विचार नहीं है, तो इसमें दोस्तों आपका सी भी जो है वो भी सही है, डी भी सही है, और राज्य एक सर्वोपरि सर्वशक्तिमान संस्था है और राज्य समुदायों का समुदाय है, ये भी सही है दोस्तों। तो ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका जो विचार है, क्योंकि ये तो हीगल का विचार था। और समुदायों का समुदाय से मतलब क्या, देखिए दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे मैंने आपको ग्रीन में बताया था कि विश्व शांति व विश्व बंधुत्व, विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की जो बात कर रहा है एक प्रकार से, तो बंधुत्व में क्या आ गया दोस्तों, राज्य जो राज्य समुदायों का समुदाय हो गया एक प्रकार से, तो बंधुत्व की भावना को लेकर चल रहा है, तो यहाँ समुदायों का समुदाय हो जाएगा। सर्वोपरि सर्वशक्तिमान संस्था नहीं माना था ग्रीन ने किसी भी कीमत पे, तो ए है दोस्तों इसका सही ऑप्शन। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीगल के अनुसार दास अपने जीवन को श्रम में लगाकर दो गुण अर्जित करता है, ज्ञान और आत्म संयम। और दूसरा कह रहा है कि हीगल के अनुसार दास यदि अपने भय पर विजय प्राप्त कर ले तो वह दासता से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों जो पहला कथन है वो कह रहा है कि दास अपने जीवन को श्रम में लगाकर दो गुण अर्जित करेगा, मतलब हीगल के संदर्भ में कह रहा है ये, एक तो ज्ञान और आत्म संयम। तो यहाँ दोस्तों पहला कथन बिल्कुल गलत है, हीगल ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि दास अपने जीवन में श्रम में लगाकर दो गुण अर्जित करेगा। लेकिन हीगल ने दोस्तों ये बात जरूर कही थी कि हीगल यदि अपने पर भय पर विजय प्राप्त कर ले तो वह दासता से मुक्त हो जाएगा, ये बात दोस्तों हीगल ने बिल्कुल कही थी, और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो है ये कही थी। और हीगल के विचारों में ये दासता संबंधी विचार इसी तरह के मिलते हैं, मतलब वो यही बात कहता है कि अगर दास विजय प्राप्त कर लेगा अपने भय पे तो वो क्या हो जाएगा, दासता से मुक्त हो जाएगा। तो दास क्या है, भय से ग्रसित रहता है, इसलिए वो क्या है उसी दासता में झगड़ा रहता है हमेशा। तो यहाँ दोस्तों जो दूसरा है वो आपका बिल्कुल सही है, तो केवल बी, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीएच ग्रीन की राज्य की अवधारणा है, राज्य अपने आप में लक्ष्य है, राज्य ईश्वरीय स्वरूप है, राज्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन है, राज्य एक कानूनी संस्था है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। यहाँ पे ये कह रहा है राज्य अपने आप में लक्ष्य है, राज्य अपने आप में लक्ष्य नहीं है, ये बात ग्रीन नहीं कही थी दोस्तों, क्योंकि ग्रीन आदर्शवादी, पूर्ण तरह आदर्शवादी नहीं था, राज्य को ही साध्य नहीं मान रहा था वो, मतलब राज्य को साध्य नहीं मानता है वो, जिस तरह से हीगल मानता है, राज्य ईश्वर स्वरूप भी नहीं कहेगा वो, राज्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन है। यहाँ देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि राज्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन है, तो राज्य को दोस्तों जो ग्रीन है उसने साधन ही कहा था, साध्य नहीं कहा था। और राज्य एक कानूनी संस्था है, कानूनी संस्था इस तरह की बात ग्रीन ने नहीं कही थी, तो राज्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन हो गया। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, यहाँ पे परफेक्ट है और बिल्कुल सही है। तो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे दोस्तों हम। ग्रीन द्वारा उदारवाद पुनरीक्षण निम्न में से किन पुराने सिद्धांतों का पुनर्जीवन है, मतलब ये यहाँ पे कहना चाहता है कि ग्रीन द्वारा, ग्रीन ने जो उदारवाद संबंधी जो विचार दिए थे असल में वो किसके पुराने सिद्धांतों का पुनर्जीवन है, मतलब किसके पुराने सिद्धांतों को उसने पुनर्जीवित किया है, दोबारा से जीवित किया है।
तो यहां दोस्तों ए ऑप्शन कह रहा है कि सहमति और प्राकृतिक कानून का, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सहमति और प्राकृतिक कानून का ही उसने पुनर्जीवन किया, जिसे उसने कहा कि राज्य का आधार क्या है, बल प्रयोग नहीं है, इच्छा है, एक प्रकार से इच्छा की वजह से ही क्या है राज्य अस्तित्व में आया है। और प्राकृतिक कानून का दोस्तों उसने खंडन किया था, प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अधिकारों का उसने खंडन किया, कहा कि प्राकृतिक अधिकार है वो नहीं पाए जाते हैं, प्रकृति से नहीं मिलते हैं अधिकार जो है, प्रकृति से होने का खंडन किया, उनके स्रोतों का खंडन किया। उसने कहा अधिकार कहां से मिलेंगे, हमेशा राज्य से ही मिलेंगे और राज्य से ही प्राप्त करना पड़ेगा उनको। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है आपका, और बी सी डी ये तीनों ही दोस्तों गलत हो जाएंगे, बेंथम, ऑस्टिन, होब्स के नागरिक, वैधानिक और एडम स्मिथ के व्यक्तिवादी विचारों का, ये तीनों ही गलत हैं, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाद प्रतिवाद और समपक्ष की अवस्थाओं के जरिए चलने पर चेतना सृजन का सार और विकास का प्रेरक बल है, उपरोक्त विचार किससे संबंधित है। यहाँ देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफी थोड़ा बायस्ड लग रहा है हमें, थोड़ा सा इसकी जो शब्दावली है काफी टफ कह सकते हो आप, थोड़ा सा अक्सर यूजीसी नेट में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। यूजीसी नेट में जब आप एग्जाम देते हो पॉलिटिकल साइंस से, तो उसमें दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वहां पर आपको एक क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर वो असल में समझ आता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और उसके जवाब भी बिल्कुल इसी तरह के ही होते हैं। लेकिन कुछ चीजें होती है जो हमें क्वेश्चन में हिंट दे जाती है, तो यहाँ वाद प्रतिवाद और संवाद, वाद प्रतिवाद मिल गया और समपक्ष की अवस्थाओं के जरिए चलने पर। अब देखिए दोस्तों यहां पर वाद प्रतिवाद से कौन चल रहा था, वाद प्रतिवाद से कांट तो नहीं चल रहा था, तो डी बिल्कुल गलत हो गया, रूसो भी नहीं चला था, ये भी गलत हो गया। अब बात आ गई यहां पे मार्कस और हीगल पे, लेकिन यहां पर एक शब्द दे दिया इसने, चेतना सृजन का सार, ये सबसे बड़ी बात है। तो जहां इसने चेतना को महत्व दे दिया, मतलब बात हुई कि यहां बात हो रही है आदर्शवादी किसी विचारक की, आदर्शवाद की कोई बात हो रही है। तो यहां पर आदर्शवादी कौन था दोस्तों, यहां पर हीगल बच गया दोस्तों, एक मार्कस हो नहीं सकता, क्योंकि मार्कस तो भौतिकतावादी, सामाजिक विकास को भौतिकतावादी स्वरूप से देखता है, भौतिक चीजों को सामाजिक विकास के योगदान में परिवर्तन पर उसको साथ में मानकर चलता है, लेकिन हीगल चेतना पे बल देता है। तो यहां पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन आदर्शवाद का ब्रिटिश उदारवाद के साथ समन्वय करने का श्रेय किस विचारक को प्राप्त है। जर्मन आदर्शवाद तथा का ब्रिटिश उदारवाद के साथ समन्वय, तो दोस्तों ये जो है इसका कार्ल मार्क्स, बेंथम, ग्रीन और सिसरो, 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ग्रीन है उसने ही जर्मन आदर्शवाद और ब्रिटिश उदारवाद को मिलाया था, और जो ग्रीन जो था दोस्तों उसने नकारात्मक उदारवाद का खंडन किया था, मतलब नकारात्मक उदारवाद का खंडन करके उसने सकारात्मक उदारवाद है वो जो उसको लेकर आया था, मतलब उदारवाद की एक प्रकार से उसने क्या कर दी दोस्तों, सीमाएं निर्धारित कर दी थी उसने। तो इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विचारक है जो भावात्मक स्वतंत्रता के विचार का समर्थन करता है, भावात्मक स्वतंत्रता के विचार का। यहां देखिए दोस्तों भावात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, यहां पे ये क्वेश्चन हमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है कि भावात्मक, असल में ये भावात्मक स्वतंत्रता है क्या, भावात्मक स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों हीगल, होब्स, कार्ल मार्क्स और ग्रीन, भावात्मक, देखिए दोस्तों भावात्मक का मतलब यहां नैतिकता से जुड़ा हुआ है। अब आपको जवाब मिल गया होगा क्वेश्चन के आंसर का कि भावात्मक स्वतंत्रता मतलब किससे जुड़ी हुई है, नैतिकता से जुड़ी हुई है, क्योंकि भावनाएं भी दोस्तों किससे जुड़ी हुई होती है, नैतिकता से ही जुड़ी हुई होती है, और जब भावनाएं नैतिकता से जुड़ी हुई है तो यहां बात किसकी हो रही है, नैतिक स्वतंत्रता की जो है वो बात हो रही है। तो नैतिक स्वतंत्रता की बात करने वाला कौन था दोस्तों, यहाँ पे नैतिक स्वतंत्रता की बात करने वाला ग्रीन ही था, जो ग्रीन के हमने पिछली क्लास में जो ग्रीन पढ़ा था उस ग्रीन ने ये बात कही थी। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक चिंतन को हीगल की देन क्या है, राजनीतिक चिंतन की हीगल को देन। देखिए दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन वाकई में बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन दिया है, यहां पे कह रहा है कि द्वंद्वात्मक पद्धति या राष्ट्रीय राज्य का विचार, मतलब राजनीतिक चिंतन को देन, राजनीतिक चिंतन को देन का मतलब हुआ दोस्तों कि देन किसी भी थिंकर की उसी देन को माना जाता है जो उस व्यक्ति ने ही पहली बार दियो, मतलब उससे पहले इस प्रकार की बात किसी ने नहीं की हो, वो ही देन मानी जाती है। क्योंकि अगर
हम उन चीजों को मान लेंगे जो चीज जो किसी विचारक ने राजनीति विज्ञान को कुछ दिया है और वो चीज पहले से ही वहां पे मौजूद थी, तो वो उसकी देन को नहीं माना जाएगा, उसका श्रेय उसी को मिलेगा जो सबसे पहले जिसने विचार दिया था। तो राजनीतिक चिंतन की देन में देखो दोस्तों, द्वंद्वात्मक पद्धति, ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, लेकिन बी कह रहा है कि राष्ट्रीय राज्य का विचार। तो राष्ट्रीय राज्य का जो विचार है दोस्तों, वो हिगल की देन नहीं कह सकते आप उसको, क्योंकि असल में जो मेक्यावली जो था, अगर हम मेक्यावली की बात करें तो मेक्यावली भी इसी तरह का विचार लेके आया था। मेक्यावली क्या था? मेक्यावली इटली का था, और वो इटली को क्या बनाना चाहता था? राष्ट्र राज्य बनाना चाहता था। यहां भी वही चीज थी, तो राष्ट्र राज्य का विचार तो वहां से भी आया था दोस्तों, तो और मेक्यावली है, मेक्यावली उससे पहले आ गया, तो राष्ट्र राज्य तो नहीं हो सकता यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि हाँ राष्ट्रीय राज्य का विचार भी हिगल ने दिया था। तो देन दोस्तों, देन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए उसमें ध्यान रखना है कि क्या ये चीज जो है वो फर्स्ट टाइम दी है इस थिंकर ने, फर्स्ट टाइम इसने ये बात की, लेकिन द्वंद्वात्मक पद्धति का जनक हिगल ही था। तो हिगल की देन कौन सी होगी राजनीतिक चिंतन को? द्वंद्वात्मक पद्धति। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कहता है कि विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार किस विचारक ने प्रदान किया है? विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को राज्य के विरोध का, तो दोस्तों विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार तो दोस्तों ग्रीन ने दिया था, और ग्रीन ने यह कहा था कि विशेष विशेष जब परिस्थिति होगी तभी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को विरोध नहीं करना चाहिए राज्य में। तो यहां दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, जो सी ऑप्शन है यहां पर ग्रीन वाला, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन निम्न में से किसका समर्थक था? ग्रीन निम्न में से किसका समर्थक था? साम्राज्यवाद का, युद्ध का, विश्व बंधुत्व की धारणा का? दोस्तों ग्रीन जो है वो साम्राज्यवाद और युद्ध इनका तो किसी भी कीमत पे समर्थक नहीं था, और विश्व बंधुत्व की भावना का ही पूरी तरह समर्थक था। तो ग्रीन के लिए सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, तो सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वर्ण इच्छा है, यह कथन किसका है? देखिए दोस्तों, राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं इच्छा, इस बात का किसने किया था? बार्कर, हिगल, ग्रीन, कार्ल मार्क्स। ग्रीन ने किया था, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल आपका क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। संपत्ति के संबंध में ग्रीन का विचार है। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको ग्रीन के विचार पढ़ने के बाद में भी घुमा सकता है। कह रहा है कि संपत्ति के संबंध में ग्रीन का विचार, समाजवादी, व्यक्तिवादी, उदारवादी। देखो व्यक्तिवादी तो है नहीं, यहां पर दो ही चीजें बचती है, एक तो समाजवादी और दूसरा उदारवादी। अब यहां पर हमने जब ग्रीन पढ़ा था पिछली क्लास में, तब हमने देखा था कि ग्रीन के विचारों में हमें दिखाई देते हैं समाजवाद का अंश, समाजवाद का अंश दिखाई पड़ता है। तो यहां दोस्तों बात की थी अंश की, लेकिन जब मैंने आपको ग्रीन पढ़ाया था उस ग्रीन में मैंने आपको यह बताया था कि जो ग्रीन है वो कैसा है? उदारवादी है, और कैसा? सकारात्मक उदारवादी। तो यहां देखिए दोस्तों, ग्रीन क्या नजर आ रहा है हमें स्पष्ट रूप से विचारों में, मतलब अगर क्लियरिटी में बात की जाए कि दोनों में से क्लियरिटी कहां नजर आ रही है, तो अगर यहां पे मैं कहूं कि ग्रीन समाजवादी है, तो समाजवाद का तो क्या दिख रहा था उसके विचारों में? अंश ही दिख रहा था केवल। तो जब किसी के विचारों में अंश ही दिख रहा है तो उसको हम क्या नहीं मानेंगे? उसको फिर हम अंश ही दिख रहा है तो उसको नहीं मानेंगे। समाजवाद का अंश ही दिखाई दे रहा है तो समाजवादी तो नहीं है वो, इसका मतलब अंश ही है केवल। अगर समाजवादी होता तो हम अंश नहीं बोलते, यही कहते कि समाजवादी था वो असल में, लेकिन उदारवाद जरूर दिखाई देता है उसके विचारों में, सकारात्मक उदारवादी है वो, पूरी तरह से सकारात्मक उदारवादी है। तो यहां पर अगर ऑप्शन में सकारात्मक उदारवादी लिखा होता तो थोड़ा बेस्ट होता, लेकिन उदारवादी भी कह सकते हैं आप इसको, उदारवादी भी चलेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सी ऑप्शन जो है दोस्तों आपका वो सही रहेगा इसमें। उसके बाद में कह रहा है कि कौन सा आदर्शवादी विचारक है। अब दोस्तों आदर्शवादी विचारकों में यहाँ पे देखा है एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, हिगल और स्पेंसर। तो यहाँ दोस्तों ना तो एडम स्मिथ है, ना जर्मी बेंथम है, ना स्पेंसर है। यहाँ पर आदर्शवादी विचारक हिगल को मैंने आपको बताया था, हिगल को क्या कहा था हमने? आदर्शवाद का पोप कहा था दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है कि आदर्शवाद का प्रमुख सिद्धांत है। आदर्शवाद का सिद्धांत क्या है? कि राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य साध्य है साधन नहीं, राज्य अधिकारों का जन्मदाता है, उपयुक्त सभी। अब देखिए दोस्तों, एक बात याद रखना आप हमेशा है कि जब भी आप ये पढ़ो कि आदर्शवादी कोई विचारक है, आदर्शवाद की कोई बात कर रहा है, आदर्शवाद से जुड़ा हुआ है, तो वो राज्य को ही महत्व देगा ज्यादा।
मतलब जिस तरह से हमने देखा कि कांट को हमने पूरी तरह से आदर्शवादी नहीं कहा, केवल उसको प्रणेता कहा था, तो राज्य के महत्व में उसने राज्य के महत्व को केवल छुआ भर था। लेकिन अगर हीगल की बात करें तो हीगल आदर्शवाद का पोप हो गया था, तो उसने राज्य को पूरी तरह महत्व दिया था और कहा कि राज्य धरती पर ईश्वर का अंतरण है, मतलब ईश्वर का ही पार्थिव रूप है एक प्रकार से। तो यहां कह रहा है कि राज्य एक नैतिक संस्था है, जब धरती पर राज्य ईश्वर का अंतरण है तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर का अंतरण अगर मानकर चले तो नैतिक संस्था है। राज्य साध्य है, साध्य नहीं मतलब अंतिम रूप से ईश्वर को ही प्राप्त करना है, तो राज्य साध्य मतलब लक्ष्य हो गया, साध्य नहीं मतलब वही साध्य है, तो ये भी सही हो गया। राज्य अधिकारों का जन्म जाता है, जब ये दो सही है तो दोस्तों जब राज्य नैतिक संस्था है और साध्य है लक्ष्य है, तो अधिकारों का तो जन्मदाता होगा ही वो, तो इसमें ए बी सी सारे सही हो जाएंगे दोस्तों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकार का भाव निहित है, अधिकार अपने अस्तित्व के लिए राज्य की मांग करते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों यहां पर है ग्रीन का। ग्रीन ने यह बात कही थी मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। चेतना से दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि चेतना को आप हीगल को मानकर नहीं चल लेना, क्योंकि ये बात ग्रीन ने कही थी स्वतंत्रता में अधिकार का, क्योंकि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र तो होगा वही तो अधिकार की मांग करेगा। अगर कोई बंदी है, अगर हम लोग बंदी बनकर रहते हैं, हम इंसान बंदी बनकर हमेशा बने रहते तो हम अधिकारों की मांग कहां से कर पाते, हमें अधिकार कहां से मिल पाते, तो स्वतंत्रता में ही अधिकार का भाव निहित है। और अधिकार अपने अस्तित्व के लिए राज्य की मांग करते हैं, मतलब अधिकार अपने अधिकारों का अस्तित्व कहां होगा, राज्य होंगे तभी तो अधिकारों का अस्तित्व होगा, जब राज्य ही नहीं होगा तो अधिकारों का अस्तित्व कहां होगा, तो राज्य का अस्तित्व जो है अधिकारों के अस्तित्व के लिए राज्य का होना जरूरी है। तो ये कथन दोस्तों ग्रीन का था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस विचारक को आदर्शवाद का प्रणेता कहा गया, किस विचारक को आदर्शवाद का प्रणेता, आदर्शवाद का प्रणेता की बात कर रहा है दोस्तों। यहां पर एक तो तरफ है, एक तरफ है हीगल और दूसरी तरफ ग्रीन कांट बोसांके, तो आदर्शवादी विचारकों में तो दोस्तों बोसांके भी था, हीगल भी था और कांट भी था और ग्रीन भी था, लेकिन प्रणेता की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो प्रणेता की बात करें तो प्रणेता के अंदर तो केवल कांट ही था दोस्तों, केवल जो यहाँ पर प्रणेता की बात आ गई, तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद में कह रहा है कि टी एच ग्रीन ने नैतिकता संबंधी विचारों को किससे ग्रहण किया था। हाँ, टी एच ग्रीन ने दोस्तों नैतिकता संबंधी विचारों को ग्रहण किया था कांट से, और कांट के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ग्रीन है उसने क्या किया कि एक चीज और ग्रहण की थी, ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसने कहा था कि राज्य क्या बाधाओं का बाधक है, राज्य बाधाओं का बाधक है, ये बात दोस्तों कही थी किसने, ग्रीन ने कही थी, ग्रीन ने कही थी। और ग्रीन ने यह विचार किससे ग्रहण किया था, कांट से ग्रहण किया था, यह विचार कांट से आया था, नैतिकता संबंधी विचार भी कहां से आया था, कांट से आया था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में कथन कह रहा है कि इमैनुअल कांट के बारे में सत्य कथन प्रतीत होता है, पूर्णतः आदर्शवादी, पूर्णतः अनुभववादी, अनुभवातीत आदर्शवादी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि पूर्णतः आदर्शवादी, पूर्णतः आदर्शवादी नहीं है, क्योंकि कांट को हमने क्या आदर्शवाद का प्रणेता ही कहा है, आदर्शवाद का पोप किसको कहा दोस्तों, हीगल को कहा, तो हीगल को जब आदर्शवाद का पोप कहा तो हीगल ही पूर्णतः आदर्शवादी हुआ, और कांट को केवल आदर्शवाद का प्रणेता ही कहा तो पूर्णतः आदर्शवादी तो नहीं हुआ, तो ए ऑप्शन दोस्तों क्या हो गया आपका, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद में बी कह रहा है कि पूर्णतया अनुभववादी, पूर्णतया अनुभववादी भी नहीं था कांट, कांट जो वो पूर्णतया अनुभववादी नहीं था, अगर पूर्णतया अनुभववादी होता तो वो कांट कहता है कि पहले अनुभव फिर बाद में क्या आदर्शवाद, मतलब अनुभव आदर्श दोनों को साथ में लेकर चल रहा था, तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुभवातीत आदर्शवादी था दोस्तों वो, मतलब अनुभव पर भरोसा था और मानवीय चेतना पर भी, दोनों ही चीजों पर यकीन करता था वो, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद में कह रहा है इमैनुअल कांट का जन्म कहां हुआ था, इमैनुअल कांट का दोस्तों जन्म जर्मनी में हुआ था, और ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही है। अविच्छिन्न शांति शब्द का प्रयोग किसने किया, अब देखिए दोस्तों यहां पर अविच्छिन्न शांति, अविच्छिन्न शांति, अविच्छिन्न शांति का प्रयोग करने वाला दोस्तों कांट था, और कांट ने यह बात क्यों कही थी, कांट ने दोस्तों नैतिकता के विचार की बात की थी, और दोस्तों कांट ने कही थी कि जो नैतिकता जो है, जब नैतिकता अस्तित्व में आएगी तो उसके लिए उसने कहा था कि यूनिवर्सल रूल क्रिएट होगा, मतलब सभी के लिए एक सार्वभौमिक नियम बनेगा, और वो कहता है कि इस नैतिकता को जब हम क्या कर देंगे, राजनीति से जोड़ देंगे, और इस नैतिकता को जब राजनीति से जोड़ दिया जाएगा उसके बाद में वो कहता है
नैतिकता जब राजनीति से जुड़ जाएगी तो वो कहता है कि युद्ध से मनुष्य को क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। और युद्ध से जब छुटकारा मिलेगा तो वो यहां कहता है कि चारों तरफ क्या दिखाई देगी, अविच्छिन्न शांति दिखाई देगी। ये बात दोस्तों कांट ने कही थी। तो यहां पर कौन सा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद में कह रहे कि किस विचारक ने नैतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना दी। नैतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना देने वाला कौन सा था दोस्तों, देखिए ग्रीन नैतिक संप्रभुता से जुड़ा हुआ नहीं है, हिगल भी नहीं है, कांट और जॉन लोक। यहां दोस्तों देखिए नैतिक प्रभुसत्ता, नैतिक प्रभुसत्ता से जुड़ा हुआ दोस्तों कांट है। यहां पे देखिए कैसे है, नैतिक प्रभुसत्ता ये बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल वहीं से जुड़ी हुई बात आ गई। मतलब जैसे नैतिकता की बात की है यहां पे, और नैतिकता को उसने किससे जोड़ा था, राजनीति से जोड़ा था, और राजनीति से जुड़ा था तो राजनीति से जोड़ने के बाद में उसने कहा जब नैतिकता राजनीति से जुड़ेगी, और नैतिकता को उसने कहा था कि राजनीति को नैतिकता कहकर नतमस्तक रहना चाहिए हमेशा ही। मतलब कोई भी राजनीति पूर्ण रूप तब धारण करेगी जब वो नैतिकता के मापदंड पूरे करेगी। अगर कोई राजनीतिक व्यवस्था वो कहता है कि नैतिकता के मापदंड पूरे नहीं करती तो वो राजनीति अपूर्ण है, अधूरी है। तो यहां पर दोस्तों उसने कहा था कि नैतिकता को राजनीति से जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, अविच्छिन्न शांति होगी। अविच्छिन्न शांति जो ये बताया दोस्तों, ये तो कहता है कि वो ये तो व्यवस्था होगी, मतलब अविच्छिन्न शांति तो जो माहौल होगा वो अविच्छिन्न शांति का होगा, लेकिन जो प्रभुसत्ता की स्थापना होगी इसकी वजह से, इसको वो दोस्तों कहता है कि नैतिक प्रभुसत्ता। इसको दोस्तों वो क्या कहता है, नैतिक प्रभुसत्ता। तो ये नैतिक प्रभुसत्ता का दोस्तों विचार किसका था, यहां पर कांट का था। तो दोस्तों सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल क्या पे सही है। तो ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन आंसर थे कांट, हिगल और ग्रीन के बारे में। और दोस्तों जो अगली हमारी जो क्लास होगी वो जर्मी बेंथम को लेकर होगी, उसके बाद में मिल्स, और उसके बाद में कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स के साथ हमारे जो पाश्चात्य थिंकर है वो दोस्तों हमारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हम इंडियन थिंकर्स पे बात करेंगे, और जो जर्मी बेंथम और आगे जुड़ी वीडियो दोस्तों मैं जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपका लाइक करना हमें बहुत प्रोत्साहन देता है। और कमेंट जरूर करिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोज कैसी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। और अगर किसी भी स्टूडेंट को मेरी वीडियोज नहीं मिलती है तो चैनल में दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आप राजनीति विज्ञान में क्लिक कीजिए, और राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई उसमें जितनी भी वीडियोज है वो आपको एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएगी, तो आपको बार बार अलग अलग जगह पर नहीं जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।